स्वागत है इस शो में जिसका नाम है ड्रामा कंपनी, को पावर्ड बाय स्मिथ एंड जोन्स पास्ता मसाला एंड ट्रेंड्स। आज का शो बहुत ही स्पेशल है, इसलिए है कि जिन्हें देखकर दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, एक खास मेहमान द रैविशिंगली ब्यूटीफुल रवीना टंडन। थैंक यू। एक बात बताओ। हाँ जी। इंडस्ट्री में 25 साल हो गए। हाँ जी। लेकिन आज भी आप 25 की लगती हो, राज क्या है? किसी को बताइएगा नहीं, आप ही से तो सीखी हूं। वैसे मैं आपसे 2 साल बड़ा हूं। मैंने बात कंप्लीट नहीं की। अच्छा, आगे। जो भी हो, दिल दिमाग यंग एंड हैपनिंग होना चाहिए, राइट और रॉन्ग? रवीना। हाँ जी। बहुत बार मैंने कोशिश की कि एक बात मैं आपको बोलूं। हम दोनों की एक फिल्म शुरू हुई थी लेकिन कंप्लीट नहीं हुई, इसीलिए बोलने का कभी मौका ही नहीं मिला। धक धक हो रहा है मुझे दिल में। बोल दूं? हाँ, बोल दीजिए। ये एक्चुअली सभी कहना चाहते हैं। हाँ। मैंने कह दिया। हाँ। लेकिन सुनना और कोई नहीं बोलना। लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए था ना? तो फिर तो आप एक कदम आगे लीजिए। ओके। फिर ये ऐसे कीजिए, फिर ऐसे ही, और थोड़ा ये हिला के। ओके। थैंक यू वेरी मच। अब हुई ना बात। रवीना, आज इसीलिए आपके लिए खास भेंट है। ओ वाओ। चलिए हम दोनों बैठते हैं। चलिए। और देखिए आपके लिए हम क्या लाए हैं। हाउ स्वीट, थैंक यू। थैंक यू।
तालियां रवीना मैम के लिए। रवीना मैम जी, आप इतने सारे शोज में गई हैं, सच बताइए ऐसा ट्रिब्यूट कहीं मिला है आपको? आई थिंक इट वॉज फैंटेस्टिक कृष्णा, आई थिंक आप इतने टैलेंटेड है ना कि वाकई आप इतने हॉट और सेक्सी लग रहे थे ये करते हुए। बहुत सारे लड़के जो इधर है आज रात को सो नहीं पाएंगे। मुझे पता नहीं डर से नहीं सोएंगे कि फैंटेसी से नहीं सोएंगे, वो मुझे पता नहीं। नहीं, मैं ऑडियंस से एक चीज कहना चाहूंगा, ये गाना हम सब ने देखा है और दिल से बोलता हूं और छाती ठोक के बोलता हूं, कोई भी हीरोइन आ जाए इतना सेंसुअस और इस क्लासी वे में जो आपने किया कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी हीरोइन, कोई भी। रवीना मैम के लिए जोरदार तालियां। और दादा, ये रवीना को झेलने के लिए दादा के लिए भी जोरदार तालियां। दादा तैयार है, रवीना भी तैयार है और हम भी तैयार हैं आज के प्ले के साथ, जिसका नाम है चकते रवीना। क्योंकि दादा सर पे जब हॉकी पड़ती तो खून ही निकलता था। मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे घर वालों ने डिसाइड कर लिया था कि ये लड़का एक दिन हॉकी प्लेयर बनेगा। पता है क्यों? क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे दादाजी दुनिया से गोल हो लिए थे। हाँ, उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि मैं बनूंगा हॉकी प्लेयर। और यहां पर मैं मैनेजर साहब से मिलने के लिए आया हूं। मैनेजर साहब का है? ओए अरे वाह, बहुत ही प्यारा बच्चा है आपका है सर। प्लास्टिक का? भले ही प्लास्टिक का हो लेकिन प्यारा तो बहुत है सर। अपने बाप पे गया? आपने अभी कहा प्लास्टिक है, अभी आप कह रहे हैं बाप पे गया, ये क्या मतलब? ओह, माय सेल्फ प्लास्टिक दुबे। प्लास्टिक दुबे? आपका नाम प्लास्टिक दुबे? खैर, मैं नौकरों के मुंह नहीं लगता, जाइए मैनेजर साहब को बुलाइए। तो मैनेजर के मुंह लगते हो, आ जाओ फिर, मैं ही हूँ। अच्छा, आप ही मैनेजर साहब हैं? अरे कमाल है सर, आप इतने बड़े आदमी और ऑफिस में से ये बच्चा लेके घूम रहे हैं। ये कोई भालू का बच्चा है, हैरान क्यों हो रहे हो? मेरा बच्चा है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है सर ऑफिस टाइमिंग्स है, अपनी वाइफ को दे देते ये बच्चा। आप रो क्यों रहे हैं सर? मेरी वाइफ ने मुझे धोखा दिया। क्या हुआ सर? जब मैं प्रेग्नेंट था मुझे छोड़ के चली गई। ये क्या बकवास है, आदमी कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं, मुझे पता नहीं था ना, अगर पता होता मैं नहीं होता। आप यहाँ क्यों? हेलो सर, माय सेल्फ कबीर खान। अच्छा अच्छा, मैं कोच बनना चाहता हूँ। अरे मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। आपके यहाँ पे कोई लैंडलाइन होगा सर? हाँ, अंदर है। किसको लगाना फोन? लगाना नहीं, आपके मुंह पे मारना। क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? मैं यहाँ पर कोच की नौकरी के लिए आया और आप ऐसी ऊटपटांग बातें कर रहे हैं आप? देखिए, हम आपको कोच बनाएंगे पर पहले हमें देखना पड़ेगा कि आप में वो काबिलियत है बनने की कि नहीं। अरे सर, मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। मैं तो इतना बड़ा खिलाड़ी हूँ सर कि मेरे तीन तीन बच्चे हैं। ये हॉकी से बच्चों का क्या लेना देना? बच्चों का तो क्रिकेट से भी कोई लेना देना नहीं है सर, लेकिन सचिन के बच्चे हैं ना। मेरा मतलब है आपने कभी कोचिंग दी है कहीं? मैं कोचिंग देने के लिए एक दिन गया था सर। अच्छा। हाँ, लेकिन रात बहुत हो गई थी। फिर क्या, बताया ना मेरे तीन तीन बच्चे हैं सर। इनको समझाओ यार। हॉकी का एक्सपीरियंस है आपको? अरे एक्सपीरियंस का तो पूछो मत सर। अच्छा, हाँ। कितने साल का है? बोला ना पूछो मत सर। बोला मत पूछो तो क्यों पूछ रहे हैं? हाँ। मुझे ऐसे ही एक बेवकूफ बंदा चाहिए क्योंकि लोग ये ना कहेंगे ये अकेला पागल है, पर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ सर, मैं अपनी जान लगा दूंगा। जान नहीं लगानी? हाँ।
सात सोमवार व्रत रखना है, कौओं को रोटी डालनी है। मतलब वो प्रैक्टिस नहीं करनी? प्रैक्टिस बहुत कर ली, अब भगवान पे भरोसा रखो। अरे सर आप फिक्र मत करिए, मैं हॉकी को बदल दूंगा सर, मैं बदल दूंगा। अच्छा कैसे? मैं ये पुराना बेच के नया लूंगा सर। आप पक्के हो गए? ऐसे बंदा चाहिए। देखो कल ग्राउंड में आ जाओ सुबह। हाँ सर। वहां मेरी मैनेजर मिलेगी। हाँ सर। वो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेगी। 24 घंटे नहीं सर, 2 घंटे बाथरूम ले जाना होता है, मैं अलग रहूंगा सर। 2 घंटे लगाते हो बाथरूम में? अरे सर 2 घंटे क्या, मोबाइल की बैटरी फुल हो और वाईफाई हो तो 4 घंटे भी लगाता हूँ मैं कभी कभी। आप जानते हैं मैं क्या क्या डाउनलोड करते हैं। कोई बात नहीं, सुबह ग्राउंड में मिलते हैं। ओके सर। ओके, आई सी यू इन द ग्राउंड सर। कबीर खान सर, मैं मेहनत करूंगा सर, मैं मेहनत करूंगा सर। भाई खेल खेल में मुझे बहुत भूख लगी है, इसीलिए मैं खा रहा हूँ चिंग्स की शेजवान चटनी से बने ये शेजवान नूडल्स। आप भी लीजिए एक छोटा सा चिंग्स ब्रेक। बी राइट बैक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।